अस्सलाम वालेकुम असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा ऑटो लाहौर में मौजूद हूँ। कैनेडा में मुकीम पाकिस्तानी राफिया आंटी ने कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपने भांजों की जो खुशियाँ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जायद हफीज़ और उसामा हफीज़ की जो है अकीके, वो बिनते फातिमा ऑटो लाहौर की माओ में खुशियाँ देकर उन्हें गुजारे हैं, दूसरों को खुशियाँ दी हैं। मैं चाहता हूँ मैं जो ये जो खुशी है, जो उनकी जो खुशी है, उसको दुगना चार गुना किस तरह किया है, मैं आता हूँ, मैं आपको अपनी माओ से पूछ के बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मिस फरजाना यहाँ मौजूद है, कैसी हैं आप? ठीक है, सब माएँ माशाल्लाह बैठी हैं और सब जो हैं बड़े गौर से उनको देख रही हैं ये एक्टिविटी। मुझे बताएं, दूसरों को खुशियाँ देना, इस लॉकडाउन में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को खुशियाँ देने के लिए सोच रहे हैं? हाँ, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह ये वबा अल्लाह की तरफ से आई है, तो हमें अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह के बंदों को राज़ी करके। सो राफिया ने कनाडा से जो इतना बड़ा कदम उठाया अल्लाह के हुक्म से, इस नेकी का कि उन्होंने अपने भांजों के हकीके करने थे, तो उन्होंने इनको राज़ी किया, इन माओं को। तो आप यकीन करें, ये हमारा पहला, इतने सालों में हमारा पहला ये वाला है जो एक्टिविटी, जिसको कहो, जो भी कहो, तजर्बा कि उन्होंने इस तरह माशाल्लाह ये सारा सिलसिला यहाँ लाहौर में, और उन्होंने ये कहा कि ये लाहौर में ही करवाना है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह चार खूबसूरत बकरे हैं, तो ये हम इस्लामाबाद और लाहौर की माओ में जो है इनका गोश्त डिवाइड कर देंगे माशाल्लाह, वो भी वहाँ भी 18 खवातीन। रमजान भी आ रहा है, तो आप सोचें कि रमज़ान में ये लोग जिस तरह रोज़ा खोलेंगे, सहरी करेंगे, तो कितनी दुआएं मिलेंगी, कितनी इनको दुआएं मिलेंगी, इनके बच्चों की, अल्लाह पाक इनके बच्चों को नेक बनाए, जिंदगी और सेहत वाला दे, और जिस कमाई में उन्होंने ये अकीके, ये सुन्नत पूरी की है, अल्लाह पाक उसमें बरकत दे और उनके कमाने वालों की खैर हो। आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, सब जो है यहाँ पे एक्टिविटी देख रही है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि राफिया आंटी के, अगर मैं शुरू में थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ कि ये किन लोगों की तरफ से ये अकीके हैं? कनाडा में ना राफिया आंटी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो वो कहती हैं कि आम साहब, मैं ना अकीके, मैं भांजों के अकीके करना चाहती हूँ, तो अब उनकी खुशी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे अकीके का, ये सब मेरी माँ फंक्शन है, क्या बात है, सबने नए कपड़े पहने हैं, हाँ, वो कह रही आज लग रहा है जैसे ईद है, सब बहुत खुश है। अल्लाह अकबर, बड़ी बात है जी। अल्लाह ताला इसी तरह खुशियाँ कायम दायम रखे और बस जी इसी तरह हाथ दुआ के लिए उठते रहे। बस जी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और किसी भी पल में जो है दूसरों को खुश रखना सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, इस रमज़ान में भी अपनी ज़कात और अतियात बिनते फातिमा ओल्डम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की माओ को ज़रूर याद रखिए। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, खुशियों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।